Hey there, Anu Singh here. I welcome back you all to my YouTube channel. So today we'll discuss about class 12 physics numericals. Uh, we'll discuss chapter number one, electric charges and field. As I had told you in the previous video lecture of uh, how to solve the numericals, uh, that we will discuss the numericals topic wise. So let's start our video with the topic uh, as quantization of charge. जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज बेसिक चार्ज का इंटीग्रल्टीपल होगा यानी बेसिक चार्ज क्या होता है बेसिक चार्ज होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हम बेसिक चार्ज बोलते हैं तो यहां पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई ठीक है ये आपको लर्न रखना है अब यहां पर n इक्वल टू एन की वैल्यू वन टू तो, थ्री फोर इस तरह से होगी ठीक है डॉट 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 और e की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस नाइनटीन कलाम होती है क्लियर है तो ये हो गया फॉर्मूला अब जैसे मैंने बताया आपको कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यानी बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा सपोज करिए कोई बॉडी बॉडी है है इस के ऊपर कितना चार्ज 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 तो तो वो चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन का होगा उससे आप डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट की फॉर्म में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो फ्रैक्शन की जाएजी देर आर कंप्लीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इट पॉसिबल दैट देर मे बी नाइन फाइव स्टूडेंट और ट्वेंटीबल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट आधा नहीं होगा वो कंप्लीट होगा वो पूरा स्टूडेंट होगा चाहे वो दुबला पतला है चाहे कैसा भी है और अगर आपने कह दिया ऐसे है कोई बर्गर पैक तो आपने कह दिया भैया ये तो दो है भैया दो ऐसा नहीं है वो सिंगल एंटिटी है ठीक है एक सिंगल है वो तो यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जितना चार्ज होगा वो चार्ज बेसिक चार्ज का मल्टीपल होगा, होगा तो अब इसमें मैं आपको दो न्यूमेरिकल समझाता हूं तो ये देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा है क्वेश्चन नंबर वन विच इज बिगर आपको कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है वन कोलाम और चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है नाउ यू हैव टू गिव द आंसर लेट इट इज क्वेश्चन नंबर वन सो इट इज आंसर नंबर वन सो विल राइट वी नो वट यू नो चार्ज प्रेजेंट

नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई 12.5 पॉइंट फाइव इंटू टेंट एट इलेक्ट्रॉन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर टू कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इनटू 10 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ गया आपके पास क्वेश्चन ठीक है ये जो डिजिट्स हैं ये चेंज हो सकती है पावर जो है वो चेंज हो सकती है पर लेकिन आप यहां पे देखेंगे कैलकुलेटर चार्ज आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो आंसर लिखेंगे आप टू और आप क्या लिखेंगे वी नो वट यू नो क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ए क्लियर तो ये चार्ज पूछ रहा है इतने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पर ये एन दिया है आपको और ये ई e, यानी ई e इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ठीक है तो ये आपको अब सॉल्व कर देना आसानी से 12.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू एट इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू माइनस नाइनटीन अब मैंने आपको सजेशन दिया था एक ट्रिक दी थी उसमें ट्रिक और कुछ सजेशंस आज जो पिछला वीडियो था उसमें कि पहले आप जो टेन टू द दावर है उनको एकोमोडेट करिए उनको पहले जो अरेंज कर लीजिए तो बताइए पावर कितनी होगी यहाँ पर माइनस इलेवन हो जाएगी ठीक है तो टेन टू दावर माइनस इलेवन ये आपने ऐसे कर लिया अब इसको ट्वेल्व पॉइंट फाइव और वन पॉइंट सिक्स इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए ठीक है थीके? तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करिए तो इसका आंसर आएगा माइनस टू पॉइंट जीरो कर आप आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस इलेवन आ जाएगा इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब रखेंगे आप टू पॉइंट जीरो इंटू टेन टू पावर माइनस टेन आपको इस तरह से करना होगा और चार्ज पूछा गया तो यहां पर यूनिट आ जाएगी कुलाम तो ये आ, दूसरा न्यूमेरिकल इस पर हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू एनी होता है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कूलम्स फोर्स ओके विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वेरी सून थैंक यू you <laughs>